नमस्कार, एमको न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, एमको न्यूज में आपका स्वागत है। अमन, शांति, भाईचारा, इन भावों के कारण ही तो दुनिया टिका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे, जिनकी यही टिप्पणियाँ, जिनकी यही बातें कई दिलों को छू जाती हैं। उनका एक बयान आया है ईद अल अधा के बारे में। उन्होंने अपने बयान में काफ़ी स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि कैसे हम सभी नियमों के पालन करते हुए, एक दूसरे के साथ रहते हुए, बिना किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, बिना किसी को तकलीफ़ दिए, अपना त्यौहार मना सकते हैं। कैसे हम एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे हम ये जो दीवार हमारे बीच खड़ी कर दी जा रही है, कैसे उस दीवार को हम दिल से और भाईचारे से तोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे की पूरी बयान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ईद उल जोहा का त्यौहार है। यह ऐसा त्यौहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाही, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया। छुरी चली, लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, वलीलाहिल हम्द। इस मौके पर खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर हालत में कौमी एकजहती बरकरार रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कौमी एकजहती को खतरा हो, आपसी भाईचारगी को खतरा हो, कहीं भी तनाव पैदा हो। एक बात और है, ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना, पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क तबाह हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कोरोना, हिंदू मुसलमान किसी को नहीं पहचानता। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस कोरोना को हराना है, इसलिए आपने, सारे मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा की। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई रास्ता और नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि बहकाने वाले, फुसलाने वाले और आपको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो अज्ञानता में करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है मुल्क के, वतन के कानून का पालन करना जरूरी है। ईद उल जुहा की नमाज भी अपने परिवार के साथ
अपने घर में अदा करनी है। देखा आपने सावन के महीने में करोड़ों लोग हिंदू भाई मंदिर में शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं, नहीं निकले, रामनवमी का जुलूस नहीं निकला, अरे अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं, सारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की पाबंदी है, मंदिर हो मस्जिद हो। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाए और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी, कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटें कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सके। बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ काम लेना है। मैं हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात हर मजहब के तमाम भाइयों की भावनाओं का सेंटिमेंट का ख्याल रखता हूं और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रखता हूं। अपने आप को मेरी बात मानिएगा ना।